एवरीबॉडी वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं नेहा, कैसे आप सब। तो आज हम देखने जा रहे हैं बीबी के वाइंस की द लॉकडाउन क्वीन, हमारे लॉकडाउन क्वीन के बारे में। मतलब यानी क्वीन तो एक ही है बीबी के वाइन का, हम सबको तो पता है, मम्मी माँ। तो वो वीडियो आज हम देखने जा रहे हैं फ्रॉम द लॉकडाउन क्वीन। तो ये बीबी की वाइंस का है, तो पोस्टर मतलब ये थंबनेल देख के तो लग रहा है कि बीबी की मतलब बीबी का जो नया भुवन का जो नया घर है तो उसमें शूट किया गया। तो इंटरेस्टिंग वन, तो ये वीडियो ऑफ बीबी की वाइंस द लॉकडाउन क्वीन, हाउ दिस इज गोइंग टू बी, चलिए देखते हैं। हमें गुस्सा, हमें डांट। मम्मी क्या हो गया, कुछ पूछ रहा है, ऐसे क्यों घूर रही हो, कुछ पूछ रहा है, कोई गलती हो गई क्या मेरे से, कुछ पूछ रहा है मम्मी, बोलो ना, कुछ पूछ रहा है। एक नजर काफी मम्मी। मैं तेरी कौन लगती हूँ, अब अपनी चाची को मम्मी तो बुलाएगा नहीं, तुमसे पूछा What? माँ लगती हो क्या, माँ है वो तेरी, मुझे नहीं लगता। पापा, अरे क्या बोल रही हो जानकी, भूल गई, शादी के बाद हम शिमला गए थे और फिर वहाँ बर्फ गिरी थी, बस से उतरते ही हमारे पास कुछ गरीब आए थे, उसी रात को हम थोड़ा करीब आए थे, क्या डिटेल दे रहे हो आप, और होटल में लाइट चली गई थी और टॉर्च पकड़ने के बजाय तुमने, क्या हो गया, मेरा हाथ पकड़ लिया था, भूल गई मम्मी, क्या बोलना चाह रही हो तुम। मैं तुम दोनों की कौन लगती हूँ, माँ बीवी नौकरानी। क्यों, 1.5 महीने से रोज घर के सारे काम कर रही हूँ अकेले, पहले दफ्तर से आते टाइम सब्जी तो ले आते थे लेकिन अब वो भी नहीं, दिन की 3-3 फिल्में देखते रहते हैं। अरे नहीं नहीं, अब तो बहुत कम कर दी है, वो आंखों में दर्द होने लगा और वो मिसेस सीरियल किलर देखने के बाद तो आंख का दर्द सर में पहुंच गया। बोलो तो पापा, लेंस कार्ट पे ब्लू ब्लॉक लेंसेज वाला चश्मा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लू लेंस मतलब फिल्में भी ब्लू दिखेंगी, नीली फिल्में देखनी है इस आदमी को। अरे अरे, ब्लू ब्लॉक लेंस जो हमारे फोन और लैपटॉप से हार्मफुल ब्लू लाइट निकलती है ना, उसको ब्लॉक करता है, तो सर में दर्द और आंखों में इरिटेशन कम होती है और एकदम क्लियर दिखता है। पुलिस खड़ी है हर जगह, घर वापस आऊंगा तो मेरा सूजा हुआ पिछवाड़ा बहुत क्लियर दिखेगा, बाहर किसने जाना है, घर पे डिलीवरी कर देंगे लेंस कट वाले। क्या बात कर रहे हैं, फिर उनको बोल आते आते रस्ते से 2 किलो टमाटर उठा ले। हाँ वो भी दूसरों से मंगाओ, खुद मत जाना। अब बैठा हूँ तो सोचा, बैठे बैठे तुम्हारी बैठक महफिल हो चुकी है, पड़ोस की सारी औरतें अपने पतियों से झगड़े करती हैं कि वो उनकी मदद नहीं करते। दूसरों की लड़ाई देखने में तुम्हें बड़ा मजा आता है, तभी तो इस देश में बिग बॉस की टीआरपी बहुत ज्यादा है। तुम्हें याद है तुमने शादी के मंडप पे पंडित जी से क्या कहा था। हाँ पंडित जी, ढक्कन कब खुलेंगे, मंडप पे क्या ली थी, उबासी, शपथ। हाँ शपथ कि मेरे हर काम में हाथ बटाओगे अगले 7 जन्मों तक। हाँ बाकी के जन्म देखेंगे, चाइना वालों ने तो इस जन्म में हग ही दिया है। आज से अभी से इस घर के सारे काम तुम दोनों करोगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं चाय बना लूंगा। ना, इस घर के अब सारे काम तुम दोनों करोगे, खाना बनाओगे तुम, सब्जी काटेगा तू, पोछा लगाओगे तुम, झाड़ू मारेगा तू, कपड़े धोगे तुम, बर्तन धोएगा तू, चाय बनाओगे तुम और पौधों में पानी देगा तू। क्या तुम भी जानकी, बड़ी हंसी आ रही है, मजाक अच्छा करती हो तुम। इसका भी वो YouTube खुलवा दे जैसे उसका खुला हुआ है। किसका, अरे वही जो कभी खुशी कभी गम में ऋतिक रोशन के बचपने का रोल करता है, आशीष। मैं मजाक कर रही हूँ, अब देखती हूँ तुम्हें खाना कौन देता है। हाँ, मैं भी कोई भूखा नहीं मर जाऊंगा, जवानी के दिनों में मुझे कैलेंडर बुलाते थे, कुछ ना कुछ पका लेता था, जैसे काली दाल, पीली दाल, येलो दाल, पीली और येलो, पीली को ही येलो बोलते हैं। तू मेरी टीम में है, उसकी टीम में। दाल में तड़का कैसे लगाते हैं, सबसे पहले सुबह उठो। हाँ फिर, दाल लेने जाओ। क्या उसके बाद, फिर दुकानदार से दाल लो, उसके बाद पैसे दो, दे दिए पैसे, उसके बाद रिक्शा पकड़ ली, उसमें बैठ गए, रिक्शा चल पड़ी, ठंडी ठंडी हवा खाली, उतरे, रिक्शा वाले को पैसे दिए, फिर घर में आए, ऊपर सीढ़ी चढ़े, अंदर घुसे, कुकर में दाल डाली, फिर हाथ धोने जरूरी है, पहले हाथ। पापा मुद्दे की बात करो, दाल में तड़का कैसे लगाते हैं, मैं क्यों बताऊं, बड़े बड़े बावर्ची अपने रेसिपी के राज ऐसे किसी को नहीं बताते। हाँ बड़े आए बावर्ची, आज तक पुदीना और धनिया में फर्क नहीं पता चला तुम्हें, आम खाने वाले गुठली नहीं गिनते। मम्मी
सॉरी, मैं अब आपकी टीम में हूँ। और तूने इस घर को धर्मशाला बना रखा है, दोपहर को 2-2 बजे उठता है, कुछ है ही नहीं करने के लिए। ये नहीं, अपनी माँ की कोई मदद कर दे, पूरा दिन किचन में पसीना बहाती हूँ। इसीलिए रोटियों का स्वाद खट्टा लग रहा है। मेटाफर है। हाँ, डफर तो तू है। सुनीता का पति रोज उसके हाथ पैर की मालिश करता है। सुनीता ने पहलवानी कब शुरू करी? पहलवान नहीं है, उसकी चिंता करता है वो। तुम ये कह रही हो कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है? इस आदमी से पूछ, इसने आखिरी बार झाड़ू कब मारी थी। यार तुम मुझे घरेलू हिंसा करने के लिए कह रही हो? झाड़ू, कटका, मेरी पीठ में दर्द होता है यार, अब उम्र हो गई है। और मैं क्या कोई कमसिन कली हूँ? मम्मी भटको मत। पापा, यू शुड हेल्प हर। बेटा, बाई कमिंग सो मेनी इयर्स, होल्ड माय स्टिक। हिंदी हिंदी हिंदी। अरे इतने सालों से बाई कर रही है, झाड़ू आदत छूट गई है। हाँ, अब तो एकदम तैयार बाई मिल गई है ना, टाइम पे खाना मिल रहा है, चाय मिल रही है। चैन से पीठ टिकाने के लिए मैं लेटरिन में जाके बैठती हूँ ताकि इसकी फरमाइशें ना सुननी पड़े। मुझे देखते ही इसको भूख लगती है। हर 2 मिनट में सेब काट दो, खरबूजा काट दो, पपीता काट दो, केला दे दो। बंदरों के घर में पैदा होना चाहिए था इसको। पूरे दिन में सिर्फ एक सीरियल देखती हूँ, और वो भी जब देखने बैठूंगी ये आ जाएगा, आंखें खराब हो जाएंगी। कितना टीवी देखती हो? हाँ तो हो जाएंगी। चश्मा किसको लगा है? मेरी किसी गधे से शादी हो जाती फिर भी इतना दुखी नहीं होती। खून के रिश्तों में शादी नहीं होती। पापा, आपको मम्मी का हाथ बटाना चाहिए। आप जाके दूध और सब्जी ले आया करो। कल नहीं लाया था दूध? 3 घंटे बाद। यार इतनी लंबी कतार में खड़ा हुआ था, जब नंबर आया तो पता चला वो ठेके की लाइन थी। मम्मी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं कर दूंगा साफ। तुम बच्चे बहुत चालाक हो, कुछ मदद नहीं करते अपनी माँ की, लेकिन फोटो जल्दी जल्दी डाल देते हो। जितना प्यार फेसबुक पे दिखाते हो उतना असलियत में भी दिखा दिया करो। सब ढोंगी हैं। हेलो, हाँ जी माथुर साहब। जी जी जी, बस बर्तन मांज रहा था, अब मटर छील रहा हूँ। झूठा। जगरेन बसेरा साचा दर्द मेरा। रसिका बेटा, रसिका। जी जी माथुर साहब। जी जी, मदद तो बिल्कुल करनी चाहिए। हाँ जी हाँ जी, बस अभी शाम को इसके साथ वो जुम्बा करूंगा। जुम्बा? हाँ हाँ, अरे वही वाला जो अमीरों के चोचले होते हैं। जो मैं जरा वो ठीक कर लू। सीरियसली यार, ये जो लॉकडाउन पूरा हुआ है ना, मम्मी को इतना ज़्यादा तकलीफ हुआ है, मैंने मेरी आंखों से देखा। क्योंकि इतने ज़्यादा दिनों के बाद मैं मम्मी के साथ थी। एक्चुअली आफ्टर ना 1.5 ईयर आई गेस मम्मी के साथ थी मैं। सीरियसली ना, एक साल के बाद एक्चुअली 1.5 ईयर के बाद, क्योंकि मैं बाहर स्टडी के लिए बाहर रहती थी। तो आफ्टर दैट जब मैं घर में आया, तो मैंने लाइक लिटरली आई वाज जस्ट मतलब इतना ऑब्जर्व किया कि मम्मी बहुत ज़्यादा काम करती, तो मैं भी पहले बात तो हाथ बटाने शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे पापा भी आने लगे, मतलब मेरी बहन भी आने लगी और मेरा भाई भी आने लगा। मतलब वो देख के पूरा एक साथ फैमिली काम कर रहा है, आई फेल्ट वेरी नाइस। तो लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा फैमिली के साथ रहने का टाइम मिला, मतलब झगड़े तो बहुत हुए, ऐसा नहीं है कि झगड़े नहीं हुए, लेकिन एक साथ काम करना और मतलब उनके साथ रहना मिलजुल कर, वो मुझे एक इतना ज़्यादा अच्छा फीलिंग लग रहा है। इतने सालों में जो नहीं हो चुका लॉकडाउन वो कर दिखा। एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव, मतलब ठीक है यार कोरोना था, लेकिन ये मतलब एक ऐसा भी एक फेज था जो लाइफ में जो होना चाहिए था सबके लाइफ में, जो कमी पड़ रही थी तो वो पूरी हो गई थी। आई फेल्ट वेरी नाइस यार सच में। और यहाँ पे भुवन ने जो बोला दैट इज उठो और जाके मदद करो मम्मी की, मतलब सीरियसली आई फेल्ट सो मच बैड। मतलब मम्मी अकेली मतलब सब काम कर रही है, तो फटाफट मैंने सब काम मतलब मम्मी के काम में हाथ बटाया एंड ऑल दैट थिंग। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यार सीरियसली, मतलब पूरा फैमिली एक साथ आगे काम कर रहे थे, और क्या ही चाहिए। मतलब साथ में बैठ कर खाना बनाना, इंजॉय करना, सब कुछ घर के काम एवरीथिंग टुगेदर, बहुत अच्छा लगा है। लॉकडाउन बहुत अच्छे से गया, लेकिन थोड़ा बाहर नहीं जा सके, उसका भी थोड़ा गम है, लेकिन कोई नहीं है ना। तो दैट इज इट फॉर टुडे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरे इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया गया, प्लीज़ फॉलो दैट टू। थैंक यू।